हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका स्वाद का मित्र, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज हम बनाएंगे रॉयल सीमा कुरनूल स्पेशल उगनी। जब भी हल्की फुल्की भूख सताए तो क्यों ना इसे अपना साथी बनाएं। तो आइए मेरे स्वाद के मित्रों, मिलकर बनाते हैं दक्षिण भारत की मशहूर उगनी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं रॉयल सीमा कुरनूल स्पेशल उगनी बनाने की। उगनी बनाने के लिए ये मैंने पफ राइस लिए हैं। उत्तर भारत में इसको मुरमुरे भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देंगे। तीन से चार मिनट तक इसको भिगाकर रख देंगे। अच्छी तरह से मुरमुरे को दबा देंगे ताकि मुरमुरे एक समान फूल जाए। मुरमुरे को भिगाने से एक तो इसकी जो गंदगी होती है वो भी दूर हो जाएगी और साथ ही मुरमुरे सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं मुरमुरे को भिगे हुए, तो चलिए इसको ड्रेन कर लेते हैं। मुरमुरे को हमने ड्रेन कर लिया है, आप देख सकते हैं कंडीशन ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब हम उगनी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले लेंगे रोस्टेड चने। इसी के साथ लेंगे एक चम्मच नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें डालेंगे दो सूखी लाल मिर्च और इसको कर देंगे बंद और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला बनकर तैयार हो गया। चलिए इसकी फाइनल लुक देखिए, कितना अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है। एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें डालेंगे सरसों के दाने। इसी के साथ डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, दो सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे इसमें और इसी के साथ जाएगा इसमें कड़ी पत्ता। अब हम डालेंगे इसमें एक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छी तरह से हम सोटे कर लेंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट होगी तो इसमें डालेंगे हम दो कटी हुई हरी मिर्चें। इसके साथ जाएगा इसमें एक टमाटर, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें बेसिक मसाले। बेसिक मसालों में सबसे पहले डालेंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले को जलने से बचाने के लिए इसमें डालेंगे एक चम्मच पानी, अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे इसको। अब हम इसको कवर कर देंगे और दो मिनट तक लो हीट पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, चलिए कंडीशन चेक करते हैं। टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं, हमें टमाटर को पूरी तरह से नहीं गलाना है, टमाटर की क्रंचीनेस हमें उगनी में चाहिए। अब हम इस पॉइंट पर इसमें डाल देंगे सोक्ड किए हुए पफ राइस यानी कि मुरमुरे, अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें नींबू, आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें। इसी के साथ डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे एक चम्मच भर कर रोस्टेड चना और डेसिकेटेड कोकोनट का मसाला जो हमने तैयार किया था अभी, इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप मसालों को चेक करें और आप अपने टेस्ट के अनुसार में मसालों को घटा या बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और साथ ही हेल्दी रेसिपी भी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है क्योंकि हमने इसमें डाला है रोस्टेड चना और डेसिकेटेड कोकोनट। दक्षिण भारत की मशहूर रॉयल सीमा कुरनूल उगनी बनकर तैयार है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हाँ जी मेरे स्वाद के मित्रों, ये देखिए उगनी बनकर तैयार है, देखने में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं।